ऐसा कहा जाता है कि बुरहानपुर जिले की नीपानगर विधानसभा से जिस पार्टी का विधायक बनता है प्रदेश में उसकी सरकार बनती है। हालांकि ये मिथक है और ये बरकरार भी रहा। बुरहानपुर जिले के विधायक क्षेत्र से नीपानगर से भाजपा प्रत्याशी मंजू दादू ने 45,000 वोट से जीत हासिल की। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के नेतृत्व में जिले में भाजपा ने चुनाव लड़ा और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दोनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशी जिताने का काम बड़ी ईमानदारी के साथ ने किया। भाजपा प्रत्याशी मंजू दादू ने कहा, यह शिवराज मामा के विकास की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। इस जीत का पूरा श्रेय नेपानगर विधानसभा के पूरे परिवार, हमारे जिले के सभी वरिष्ठ जन, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे सांसद जी, हमारे सीएम साहब, हमारे मोदी जी, राज्य और केंद्र के सभी वरिष्ठ गण और साथ अन्य राज्यों से जो आए, जिन्होंने यहाँ आकर बहुत मेहनत की परिवार को एकजुट करने के लिए, पूरा दिन और रात एक किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली हमारे मामा जी के सभी बहने हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों सीटें भाजपा को दी है, क्या कहना है? देखिए, देश के किंग है मोदी जी, किंग भी वो है और किंग मेकर भी वही है। उनके गारंटी पर जनता ने विश्वास किया है और हमारे जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, डबल इंजन की सरकार और लाडली बहनों ने भरपूर आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी को दिया है। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जनता और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत हमें आज पहुँचे हैं और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद हमारे प्रदेश की जनता, हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता देगी और मोदी जी हाथ मजबूत करने के लिए हम सब लोग उनके साथ आप पर जो भरोसा जताया था भाजपा ने, उस पर क्या आप खड़े उतर रहे हैं या क्या हुआ है? ये तो जनता बता रही है और ये तो आप ही बता सकते हैं कि मेरे पर जो भरोसा जनता ऊपर हमारे नेतृत्व ने किया है, उस भरोसे पर मैं खरा उतरा हूँ या नहीं हूँ, ये तो मीडिया ही बता पाएगी। पिछली बार से तो खरे उतरे हैं दोनों सीटें। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।